नमस्कार दोस्तों, भूमि नोटेरिया सेवन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फॉर एंडेवियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि फॉर एंडेवियर कंपनी की भारतीय बाजार में बिकने वाली फ्लैगशिप एसयूवी रही है। इस एसयूवी को जल्द ही इंडियन मार्केट में नए फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा। हालांकि आपको बता के दें कि इस एसयूवी को कई बार बदलाव के साथ लाया जा चुका है और अब सामान्य बदलाव मैकेनिकल बदलाव के साथ भी उपलब्ध है। हालांकि इसकी पूरी डिज़ाइन व आकार में बदलाव नहीं किया गया है, पर आपको बता दें कि इस बार कई चेंजेस के साथ इस बाज़ार में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं फॉर एंडेवियर की एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स, इंजन पावर सभी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। डिज़ाइन में बदलाव की बात करें तो फोर्ड एंडेवर में सामने हेक्सागोनल ग्रिल क्रोम के साथ लगाया गया है। इस ग्रिल में तीन हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लेट दिए गए हैं जो इस एसयूवी को प्रीमियम लुक देते हैं। सामने की बम्पर को अपडेट किया गया है, साथ ही सिल्वर स्लिक प्लेट दिया गया है जो सेंट्रल एयर इंटेक तक फैला हुआ है, तथा फॉग लैम्प काफ़ी बेहतरीन लुक में दिए गए हैं। इस एसयूवी का साइड हिस्सा पहले से ही मस्कुलर दिखता है और यह इसके 18 इंच के एलो व्हील्स की वजह से लगता है। साइड हिस्से में फ्लैड व्हील आर्क क्रोम डोर हैंडल्स दिया गया है जो इसके और आकर्षक बना देता है। इसके पिछले हिस्से में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। पीछे की ओर LED रैप राउंड LED टेल लाइट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। इसके इंटीरियर में आपको सॉफ्टर ड्यूल टोन डैशबोर्ड के साथ प्रीमियम क्वालिटी के लेदर सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूल टोन अपोल्स्ट्री, हीट रिजेक्शन ग्लासेस, 8E टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा, कॉल व ऑडियो के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 8 तरीकों से एडजस्टेबल किया जा सकने वाला ड्राइविंग सीट्स, पेनारोमिक सनरूफ, पावर एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM, एयरबैग्स, EBD, हील डिजेस कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा के साथ सेंसर, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी असिस्ट जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉर एंडेवियर में मिलने वाले इंजन की। तो इसके अंदर आपको पहला इंजन 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा जो 3200 RPM पर 158 BHP का पावर और 1600 RPM पर 385 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स का विकल्प मिल जाएगा। दूसरा इंजन आपको मिलेगा 3.2 लीटर डीजल इंजन जो 3000 RPM पर 197 BHP का पावर और 1750 RPM पर 470 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा, जिसमें आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड रूप में मिल जाएगा। इसके माइलेज की बात करें तो आपको फॉर एंडेवियर 70 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आता है और यह आपको 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो यह गाड़ी आपको इस ईयर के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होती नजर आएगी और इसकी प्राइस की बात करें तो 30 लाख से 36 लाख में आपको अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि 30 लाख में आपको बेस वेरियंट और टॉप एंड वेरियंट आपको 36 लाख में मिल जाएगा। दोस्तों यह गाड़ी लॉन्च होने के साथ राइवल करेगी फॉर्च्यूनर लेजेंडर, MG हेक्टर, टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों से। दोस्तों आप इसमें से कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।